नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक स्टॉक मार्केट के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज कल हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। एक स्टूडेंट ने तो मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। यहाँ पे वो ओडिया में लिखे हैं कि भाई थैंक यू, सुबह ही प्रॉफिट हो गया आपका वीडियो देख के और वीडियो आप बनाते जाइए। बहुत ही अच्छा लगा हमें ये ऐसे रेस्पॉन्स मिलते ही। तो अभी हम चलते हैं, आज के निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे और आपको दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में तीन स्टॉक्स जो कल मूवमेंट दे सकते हैं और उनमें आप पैसा कमा सकते हैं। आप हो सकता है तो स्टॉक्स कल ही बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, या पोजिशनल के लिए भी रख सकते हैं, अच्छे दो पैसे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी अगर देखा जाए एक रेजिस्टेंस लेवल से घूम के आया और बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जो रहा है 17,400 का, वहाँ पर रेजिस्ट होके वापस गया और आज सुबह गैप अप ओपनिंग में खुला और रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस नीचे आया है। देखा जाए तो जरा सा निफ्टी अभी कल जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हुआ है 17,525 में, और नीचे अगर देखें 20 और 25 का जो क्रॉसओवर है निफ्टी मूविंग एवरेज का, तो यहाँ पर सीधा लग रहा है मार्केट में गैप ऑफ ओपनिंग हो सकता है। ग्लोबल मार्केट के बारे में अगर देखें तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट अभी अगर देखें नैसडेक 138 पॉइंट पॉजिटिव में है। अगर ये पॉजिटिव क्लोज करता है हो सकता है सवेरे आपको SGX निफ्टी भी पॉजिटिव में देखने के लिए मिले, तो गैप ऑफ ओपनिंग का चांसेस है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से तो रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आया है। यहाँ पे थोड़ा हम सबर कर सकते हैं और चौपी मार्केट लग रहा है, नेगेटिव या चौपी लग रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट का क्लू बता रहे हैं कि पॉजिटिव ओपनिंग और ये जो मूविंग एवरेज का भी क्रॉसओवर एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दे रहा है, तो मेरे हिसाब से कल पॉजिटिव ही खोल सकता है मार्केट। आवरली कैंडल चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट कंटिन्यूअसली रैली कर रहा था और यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बना है। क्या पैटर्न बना है, आप अगर चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ करते हैं उनके बारे में आइडिया है तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न में एक बायलेटरल पैटर्न है, ये पैटर्न जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक बताना मुश्किल है किस साइड पे मार्केट जा सकता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन आप अगर डेली कैंडल आवरली कैंडल चार्ट देखें तो मार्केट फ्लैट ही लग रहा है। अभी देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट में बहुत ही जोरों से शार्प डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। मार्केट अगर 14,420 तोड़ता है तो बहुत ही मंदी देखने के लिए मिल सकता है। आने वाले समय में आपको 17,140 या फिर उससे भी नीचे आपको 16,800 तक भी देखने के लिए मार्केट मिल सकता है। लेकिन जब कभी भी मार्केट बढ़ता है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मार्केट ऐसे बढ़ के गया, थोड़ा डाउन गया, फिर बढ़ के गया, थोड़ा डाउन गया, फिर बढ़ के गया, थोड़ा डाउन गया। तो ये डाउन जो गया है ये गिरने के लिए गया है या बढ़ने के लिए गया है ये पता चलेगा अगर ये सपोर्ट को नहीं तोड़ता है। तो कल अगर 15 मिनट चार्ट में भी अगर देखेंगे तो 20 और 200 का एक क्रॉसओवर होने वाला है। अगर ये क्रॉसओवर कल देखने के लिए मिल जाएगा 15 मिनट चार्ट में तो प्राइस बहुत ही जोरों से तेजी में देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर भी मैं बताऊंगा कि ग्लोबल क्लूज बहुत पॉजिटिव है, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है, यहाँ से मार्केट बुलिश लग रहा है। कल अगर मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग होता है तो आप बाय साइड में काम कर सकते हो। फ्राइडे है मतलब कॉल में एंट्री ले सकते हैं क्योंकि प्रीमियम डीके उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप सवेरे 11-12 बजे के अंदर ही ट्रेड खत्म कर दीजिए निफ्टी में अगर कर रहे हैं तो। चलिए बैंक निफ्टी के बारे में सोचते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर कहीं पे गलती हो रहा है तो प्लीज़ बताइए, हो सकता है आने वाले समय में और भी इम्प्रूवमेंट हम करेंगे। तो पहले देखेंगे डेली कैंडल चार्ट। डेली कैंडल चार्ट के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस है 40,000। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, मार्केट गिर के आया और यहाँ से रिट्रेस होकर 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश कर रहा है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा मूविंग एवरेज चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 30 है, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ढूंढ रहा था इसलिए यहाँ पे है, कोई बात नहीं। 20 मूविंग एवरेज को टच करके गया है, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है।
और अगर देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ था, बुलिश इंगल्फिंग इनसाइड आउट कैंडल पैटर्न बना था और यहाँ पे फिर से रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पे भी मैं पॉजिटिव हूँ, यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। डेली कैंडल चार्ट फ्लैट या फ्लैट पॉजिटिव देखने के लिए मिल सकता है, गैप अप ओपनिंग होगा फिर भी फ्लैट में चला जाएगा और ऐसे ही सिचुएशन में रैली देखने के लिए मिलता है। आप अगर देखेंगे इससे पहले यहाँ पे ऐसा हुआ था, मार्केट बढ़ा था, नीचे थोड़ा गिरा था और गैप अप ओपनिंग और फिर रॉकेट, राइट। तो हो सकता है यहाँ पर भी वो पोजिशन दोहराने का चांसेस मिले। आवर्ली कैंडल चार्ट में देखें तो फिर से वही नाटक है, प्राइस ऊपर गया था, नीचे के आकर यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है, राइजिंग वेज बन रहा है, ये एक बेरिश पैटर्न है, लेकिन बता नहीं सकते 20 मूविंग एवरेज के पास ही ये सपोर्ट लिया है। 15 मिनट कैंडल के बारे में बात करें तो राइजिंग वेज तोड़ चुका है और 200 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज डाउनसाइड में क्रॉसओवर करने वाला है। तो जितना दूर तक मैं सोच पा रहा हूँ बैंक निफ्टी कल मार्केट को सपोर्ट नहीं करेगा। तो निफ्टी के बारे में हम बात करें, बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो आपको नेगेटिव साइड में अगर जाए तो 38,400 तक देखने के लिए मिल सकता है, 38,490 तक देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। पॉजिटिव साइड में अगर चला तो निफ्टी के लिए सपोर्ट बन जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए मैं चौपी और नेगेटिव के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं स्टॉक्स में, कौन से स्टॉक्स हैं जो स्टॉक्स कल मूवमेंट दे सकते हैं या फिर पोजिशनली मूवमेंट दे सकते हैं। आप अगर फ्रेश पोजिशन ढूंढ रहे हो या फिर इंट्राडे करना चाहते हो तो पहला स्टॉक आपके लिए है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पे डेली कैंडल चार्ट में अगर देखेंगे तो ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, नेकलाइन ब्रेकआउट कर चुका है, 57.55 रुपए चल रहा है, 54.60 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 54 रुपए का भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट है 65 और 71, इसको आप पोजिशनल बाय कर सकते हो। हो सकता है कल ये स्टॉक रॉकेट बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बने रहिए, पीएसयू में तेजी है, आपको 2 पैसा ये देगा। सेकंड जो स्टॉक है आपके लिए, देखिए बहुत सारा मेहनत करके स्टॉक्स आपके लिए चुन रहा हूँ, काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, ये हमारा हौसला बढ़ाता है और आपको हम हेल्प कर पाएंगे आगे जाके। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो डेली कैंडल चार्ट में क्या बना था, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना है और अपर साइड में ब्रेकआउट दिया है, ऑलरेडी हाई को तोड़ चुका था लेकिन वापस आया है, कोई बात नहीं। 3 ग्रीन कैंडल्स 3 व्हाइट कैंडलस्टिक पैटर्न, गूगल कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, 3 व्हाइट शोल्डर ऐसा सोल्जर्स बोलते हैं, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। नीचे वॉल्यूम देख रहे हो, बहुत दिनों का वॉल्यूम तोड़ के ऊपर आया है, तो यहाँ पे बायर और भी एक्टिव हो जाएंगे, हो सकता है आपको एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिले, लेकिन रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से 344 तक आ सकता है, 5 रुपये नीचे। मैंने 337 का आपको एक अच्छा सा स्टॉप लॉस बना के दिया हुआ है, तकरीबन 24 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट है आपका 30 रुपये का, 2:1:2 का स्टॉप लॉस है। कोची सीपीआर भी पीएसयू से ही बिलोंग करता है, पीएसयू में बहुत अच्छा तेजी देखने के लिए मिला है, इसीलिए पीएसयू स्टॉक्स ही हमारे स्क्रीनर्स में आया है। तो 382 के टारगेट में आप ले सकते हो, अगर ये स्टॉक ले रहे हो और 382 टच कर जाता है, प्रॉफिट बुक करने से पहले काइंडली मैसेज करके पूछ लीजिएगा, हो सकता है और मोमेंटम दे सके और अच्छा पैसा आप इसमें बना सको। अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढने से अच्छा है एक अच्छे से स्टॉक पकड़ के बढ़ते हुए शेयर प्राइस का मजा लेते जाओ। तीसरा जो शेयर है आपका बिरला मनी, ये बहुत ही अंडररेटेड स्टॉक है, बहुत दिनों से ये चौपी मार्केट में बैठा हुआ था, नेगेटिव मार्केट में गया था, आप अगर क्लियरली देख पाओगे तो यहाँ पे हो सकता है एक कप एंड हैंडल बन के वापस चला जाए, प्राइस बहुत ऊपर तक जा सकता है, बॉस अच्छा स्टॉक है। तो मैं डेली कैंडल चार्ट में जाता हूँ, अभी भी प्राइस ब्रेकआउट में नहीं हुआ है, लोग ज़्यादातर ब्रेकआउट के बाद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल दे रहा हूँ। 59.50 मतलब 60 के पास लगभग है ओपनिंग, हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है, जैसे ही गैप अप ओपनिंग मिले एंट्री कर लीजिएगा। 55.50 का स्टॉप लॉस रखिए और 70 रुपये का टारगेट रखिए, ये इनिशियल टारगेट है, मेरा टारगेट तो बहुत ऊपर है, 70 का अगर टारगेट अचीव हो जाता है 10 रुपये का, तो प्लीज़ काइंडली प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये थे 3 स्टॉक जो आपके आने वाले दिनों में इनकम बना सकते हैं
और बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के बारे में मैंने बता चुका हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर कुछ क्वेरीज हैं तो मेरा नंबर इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक वेबसाइट में है, आप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर कोर्सेज ज्वाइन करना है तो ये सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, काइंडली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।